हिंदी फिल्मों में अक्सर बोल्ड सीन की अगर मैं बात करूं तो ये आम बात है, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी है जिसने इस तरह के सीन करने से पहले अपने हीरो के HIV रिपोर्ट्स की डिमांड की थी। कौन है ये हीरोइन और क्या है पूरा मामला, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। आप सभी जानते ही हैं कि सनी लियोनी जो हैं वो फिल्मों में आने से पहले एक मशहूर पॉर्न स्टार थी और अश्लीलता अगर मैं कहूँ तो ये जो वीडियोस होते थे उससे बाहर निकलकर बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में उन्हें काफ़ी पापड़ भी बेलने पड़े। बिग बॉस का हिस्सा बनी, महेश भट्ट ने उनको उस रियलिटी शो में देखा, जिस्म में काम दिया, इसके बाद जो है एकता की रागिनी MMS में तो ऐसे में उस समय एक खबर जो है सनी को लेकर लगातार चर्चा थी कि सनी लियोनी जो है वो बोल्ड सीन करने से पहले अपने हीरो के HIV टेस्ट की रिपोर्ट मांगती थी। दरअसल है हॉलीवुड फिल्मों में ये आम बात है, लेकिन अब जो है जब सनी लियोनी यहाँ पे शुरू में आई तो वो इस बात की डिमांड करती थी कि वो किसी के साथ भी जिनके साथ वो बोल्ड सीन करने जा रही हैं उनको अपने हीरो की HIV रिपोर्ट चाहिए। भारत में भी आपको याद होगा कुछ निर्माता जो है इस बात को क्लॉज में डालते थे नो प्रेगनेंसी की, आप फिल्म के शूट के दौरान जो है प्रेग्नेंट, आपको पूरी फिल्म की शूट कंप्लीट करनी है और उसके बाद जो है आप अपनी प्रेगनेंसी या जो भी है नो प्रेगनेंसी क्लॉज इसको कहा जाता है वो डाला करते हैं। तो सनी ने जब ये शर्त रखी थी तो काफ़ी लोग जो है हैरान हो गए थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता क्योंकि सनी के पति ने तो इस बात से साफ इनकार किया था, लेकिन इस तरह की खबरें आई थी कि सनी लियोनी इस तरह की डिमांड करती थी। उस दौरान ये भी कहा गया कि सनी ने फिल्म के मेकर से कहा था कि वो बोल्ड या लव मेकिंग सीन तभी करेंगी जब उनके कोस्टार्स की HIV/AIDS रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इस पर जो है कभी भी सनी ने ऑफिशियली बयान नहीं दिया, पर उनके पति ने इन सारी चीज़ों को डिनाई किया था और कहा था सनी ने कभी भी इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखी है।